देख लेना अच्छे से एंड ऑल्सो फॉरगेट टू कमेंट आई हैव गिवन यू ऑल टू सॉल्व करके पक्का बताना ओके okay? ताकि मेरे को भी समझ में आए कि आपको कितना समझ में आ रहा है पास्ट टेंस टेंस का हम पहले देखेंगे सिंपल पास सिंपल पास्ट टेंस का देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है उसका स्ट्रक्चर कहाँ पे यूज होगा एंड देन आल्सो लुक एट एग्जांपल्स तो चलो देखते हैं सिंपल पास टेंस जो है

कि इसमें डिफरेंस क्या होता है और इसे पहचाने कैसे और कैसे ये करें हम उसका यूज सिंपल सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ और जो सिंपल पास्ट है उसका ओके okay? उसका भी एक अलग से हम लोग देखेंगे कि कैसे होगा वो एंड हाउ टू ये सब एक दूसरे से कैसे डिफर करते थोड़ा तो सा डिटेल में वो भी देखेंगे पहले फर्स्ट लेट इस अंडरस्टैंड सिंपल पास्ट टेंस सो सिंपल पास्ट टेंस इज यूज दिस यूज दिस टेंस टू रिफर टू एन एक्शन और इवेंट दैट इन द पास्ट ओके

ज दिस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन टू वी टू पास फॉर्म में चेंज करना है आपको स्पीक को जो है ये जो वर्ब है हमारा उसको पास में करेंगे हम लोग चेंज तो स्पीक का पास क्या हो जाएगा वर्ब exactly. okay. so yes, दिया है मैंने ब्रैकेट में ब्रेक सो ब्रेक जो है उसका हमें पास्ट फॉर्म बनाना है सो क्या होगा पास्ट फॉर्म वर्ब ब्रेक ब्रोक एक्सैक्टली सो यू ब्रोक माई विंडोज ग्लास एक्सीलेंट वेरी गुड सो नाउ सी ही डैश फ्रॉम लंडन सम है यहां पे जो वर्ब दिया है कम उसका पास्ट फॉर्म में करो चेंज दू पास्ट फॉर्म सो इट विल बी यू came from London sometimes ago. Exactly. So, come to the next. He dash anyone yet from the mission. Not choose. यहाँ पे दिया है not choose. Now this is a negative. So, इस पे हमें helping verb लगाना है. तो present के लिए तो हमने देखा था कि present के लिए helping verb do or does आता है ना. तो past के लिए कौन सा helping verb आता है? Did. Past के लिए हम do or does use नहीं करेंगे. Past के लिए use करेंगे did. Did. So yes. So he

पास्ट प्रोग्रेसिव भी आप बोल सकते पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस तो पहले लाइक मोस्ट ऑफ देम गेट कंफ्यूज्ड कि पास्ट सिंपल जो होता है हमारा एंड पास्ट uh, जो होता है एंड देन पास्ट पास सबके बीच में ना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ओके okay, सो so हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस एक्चुअली क्या है ओके लेट्स कम नाउ सी कम टू द टॉपिक पास्ट तो इन पास्ट टेंस ना टू बेसिक टेंसेस टू बेसिक टेंस जो है ना हमारे वो है सिंपल पास्ट सिंपल एंड पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आल्सो नोन एज पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस सो दीस आर टू बेसिक टेंस फ्रॉम पास्ट टेंस ओके सो नाउ सी पास्ट ओके पास्ट के जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिख सकता है कि आई हैव ड्रॉन अ सिंपल डायग्राम व्हिच कैन मेक इजी टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस सी पास्ट सिंपल

Let us understand what's the difference. Difference क्या है? Okay, so I will I will help you out. जो हम, मैंने यहाँ पे जो timeline draw की है, हम उस timeline के थोड़े से मदद से हम इसका जो difference है वो समझने की कोशिश करते हैं, okay? Come here now, see. 9 a.m. I have written and 5 p.m. and 8 p.m. अभी ऐसा assume करना है, ऐसा consider करना है कि the time now. अभी जो टाइम हो रहा दैट इज 8 पीएम ओके अभी जो टाइम है हमारा दैट इज 8 ऐसा अज्यूम करते हो ओके अभी कितना टाइम हो रहा है 8 पीएम हो, हो रहा है तो सी इफ आई से इफ आई से um आई स्टार्टेड वर्क एट 9 एएम आई स्टार्टेड वर्क एट 9 एएम मैंने काम शुरू किया नाइन आई स्टार्टेड आई स्टार्टेड वर्क एट 9 एएम and or else you, i can say i finished work at i finished work at 5 pm or 9 am so what i am doing here yahan pe maine specifically specifically kya point kiya hai maine yahan pe happened actions happened at specific point okay past simple kya hai hamara actions that happened at specific point

Is nothing but action that continued during a period. Like long period, ke jo action continued. Okay. Action that happened or that continued during a period. During a period. Now let's try to understand this. See. For example, I was working from 9 a.m. to 5 p.m. So are you getting? I was working from 9 a.m. to 5 p.m the period you can see like i was working on something continued that work continued and continued and continued hana like from 9 a.m to 5 p.m so that continued for a long period of time so that is nothing but continuous tense okay past continuous tense okay are you getting like i was working from 9 a.m to 5 p.m Hope this difference is clear. Okay, past simple means at specific point. At specific point and past continuous or past progressive means any uh, work or any action that continued and continued for a period. Okay, like uh, जैसे हमने एग्जांपल्स यहाँ पे देखे और भी एग्जांपल्स हम लोग अभी देखेंगे जिसके हेल्प से थोड़ा सा इजी होगा आपको समझना। So uh, we were looking एट दी एग्जाम्पल्स और स्ट्रक्चर भी देखेंगे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे उसका नेगेटिव कैसे बनाना है पॉजिटिव कैसे, कैसे बनाना है उसके क्वेश्चन कैसे बनानी यही टेंस के वो भी हम लोग देखेंगे प्लस आई एनजी डेट इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट पार्टिसिपल एग्जैक्टली सो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस व प्लस आई एन जी प्लस हमारा ऑब्जेक्ट ओके सो अभी आपको पता ही है कि वॉज कौन से सब्जेक्ट्स के साथ आएगा were कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगा है ना सो दैट इज वेरी क्लियर टू यू नाउ देखो आई अगर मेरे को पॉजिटिव सेंटेंस बनाने हैं इस टेंस के अगर मेरे को पॉजिटिव सेंटेंस बनाने हैं तो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर जो है हमारा वैसे का वैसा ही रहेगा सिर्फ हमें यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब जो यूज करना है ना वो देखते हैं आपको पता है वो भी आई वॉज आई आई वॉज वर्किंग है ना आई के साथ हम यूज क्या करेंगे व यूज करेंगे वर नहीं आई के साथ वॉज यूज करेंगे ओके यू कैन ऑल्सो से इसकी जगह पे कुछ और भी आप ले सकते हो लर्निंग स्टडिंग डांसिंग सिंगिंग वट एवर ओके सो अभी हमने ये देखा पर अगर हमारे सब्जेक्ट यू वी या दे होंगे तो उसके साथ क्या लगाएंगे वर 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 सो यू वर्किंग 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 वी दे सब्जेक्ट है प्लस या फिर वर लगाना है और प्लस व प्लस आई एनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना और ऑब्जेक्ट अगर आपको लगाना है आप कुछ भी ऑब्जेक्ट्स लगा के आप ऐसे सेंटेंस बहुत सारे बना सकते हो और अभी हम लोग देखेंगे नेगेटिव कैसे बनाना है तो नेगेटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं वही स्ट्रक्चर होता है बस जो वॉज या वर होगा हमारा उसके बाद हम क्या ऐड करेंगे नॉट ऐड करेंगे क्या ऐड करना है नॉट ऐड करना है सो वॉज नॉट सो आई वॉज नॉट वर्किंग ही वॉज नॉट वर्किंग शी वॉज नॉट वर्किंग इट वॉज नॉट वर्किंग इट यानी

होप दिस इज क्लियर पॉजिटिव और नेगेटिव शायद आपको अभी तक क्लियर होगा नाट सी अभी देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं इसके तो पहले क्या करेंगे हम लोग वॉज वर फर्स्ट वी हैव टू टेक वॉज वर वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स तो वॉज लिया है हमने क्यों सब्जेक्ट अगर हमारा आई ही शी या इट ले रहे हैं हम इनमें से कोई सब्जेक्ट के साथ अगर क्वेश्चन फ्रेम करना हो तो क्या क्या लेंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब वॉज सो वॉज आई वर्किंग क्वेश्चन मार्क वॉज ही वर्किंग क्वेश्चन मार्क ओके

इसका पॉजिटिव कैसे बनाना है नेगेटिव कैसे बनाना है क्वेश्चन कैसे बनाने हैं ये आपको क्लियर है अभी हम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर भी देखेंगे ओके okay? कॉन्ट्रेक्शन कैसे बनाने हैं उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे थोड़े और सो so आपको और अच्छे से समझ में आएगा प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस जैसे कहेंगे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस ओके सो अभी हमने स्ट्रक्चर देखा पॉजिटिव नेगेटिव और क्वेश्चंस कैसे बनाने देखे तो अभी हम, हम लोग और एग्जांपल्स भी देखने वाले सो so, कम टू दिस कॉन्ट्रेक्शन देख रहे थे हम लोग तो कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है शॉर्ट में लिख देते हैं न? तो was not. Was not को कैसे लिखेंगे, लिखेंगे? So, यहाँ okay? तो पे कुछ सेंटेंसेस लिखे है तो जो फर्स्ट थ्री सेंटेंसेस है जो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखे हैं दिस

प्रेजेंट कंटिन्यूस दिया है मैंने यहाँ पे फर्स्ट वन जिससे हमको पास्ट कंटिन्यूस में या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव जिसे बोलते हैं हमको उसमें चेंज करना, okay? करना है तो क्या होगा आई एम लर्निंग हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा हमारा है ना हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा क्या हो जाएगा आई वॉज लर्निंग तो हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस ओके Now see, we are waiting. We are waiting. Present continuous tense है जिसको हमको past continuous में करना है तो आर की जगह पे क्या आएगा क्या लिखेंगे हम We were waiting. याद आ रहा है क्योंकि we के साथ हम was तो नहीं, नहीं लिख सकते We के साथ क्या लिखेंगे We were waiting. Okay. Now see, similarly third example भी जो है

टेंस चेंज नहीं करना है टेंस ही, ही रखना है बस में आपको करना है, है? तो क्या करेंगे हम? जो हमारा लिया है हमने वॉज उसके बाद क्या ऐड करना है नॉट ऐड करना है सो रूबी वॉज नॉट टीचिंग ओके रूबी वॉज नॉट टीचिंग यहाँ पे क्या कि हमने किया हमने नॉट ऐड किया टू मेक दैट पॉजिटिव सेंटेंस इन टू नेगेटिव ओके सी दिस सेंटेंस फिफ्थ वन वी वर ड्राइविंग ये जो सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस है जिसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है ओके okay, नेगेटिव में कन्वर्ट करना है और क्या करना है उसको कंट्रैक्शन में लिखेंगे हम लोगों के नेगेटिव में करके कंट्रैक्शन में लिखना है हमको टेंस यहाँ पे चेंज नहीं करना है ओके वी वर ड्राइविंग सो नेगेटिव में करना है तो वर के बाद क्या ऐड करेंगे नॉट ऐड करेंगे है ना वी वर नॉट ऐड करेंगे पर इसका कॉन्ट्रेक्शन में कैसे होगा हम लोग ओ जो है ना ओ को हम लोग क्या कर रहे हैं पे कट करेंगे ना उसकी जगह पे अपी डाल दिया वी वर्न ड्राइविंग ओके सो होप दिस इज क्लियर टू ऑल ओके ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो एंड यू कैन कमेंट दैट बिलो ओके सो यस थैंक यू